अक्सर मौजूदा सरकार पर विपक्षी पार्टियों द्वारा देश की महत्वपूर्ण संस्थानों को प्रभावित करने के आरोप लगते आए हैं। विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए इन आरोपों के पीछे कोई न कोई तर्क जरूर होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव के मामले और भी अधिक हो गए हैं। कभी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर कोलोजियम को प्रभावित करने की कोशिश करती है, तो कभी सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को प्रभावित करती है। इस प्रकार एक बार फिर मोदी सरकार और जुडिशरी में टकराव का मामला सामने आया है। यह टकराव जजों की नियुक्ति को लेकर देखा रहा है। दरअसल केंद्र की मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली कोलिजियम की सिफारिश को लंबित रखा है। वहीं मौजूदा सरकार ने इसके विपरीत संविधान के आर्टिकल 223 की शक्तियों का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग करके सरकार राष्ट्रपति के तरफ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज रविशंकर झा को चीफ जस्टिस के दायित्व का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया। इससे पहले कोलिजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत्त होने के बाद चीफ जस्टिस के पद के लिए जस्टिस ए कुरैशी के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस कुरैशी के स्थान पर जज रविशंकर झा को नियुक्त करना मोदी सरकार की नियत को दिखाता है। ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार किसी खास धर्म से आने वाले व्यक्ति को चीफ जस्टिस के जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नहीं आने देना चाहती है। जस्टिस संजय कुमार सेठ 9 जून को रिटायर हो रहे हैं। कोलिजियम ने देश की विभिन्न हाईकोर्ट के लिए 10 मई को 3 अन्य सिफारिशें भी किया था। ऐसे ही गुजरात हाईकोर्ट के अवर न्यायाधीश को दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से उनकी नियुक्ति को 22 जून तक क्लियर कर दिया था। इसी प्रकार मद्रास हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस वी रामर सुब्रमण्यम को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई थी। फिलहाल सरकार ने सिफारिश के लिए इजाजत नहीं दिया है। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस आरएस चौहान को कोलिजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की है। जस्टिस चौहान अभी तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मोदी सरकार ने जस्टिस चौहान की पदोन्नति को भी अभी मंजूर नहीं दी है। जजों की नियुक्ति के सवाल को लेकर सोमवार को विधि मंत्री का प्रभार संभालने के बाद रविशंकर प्रसाद ने स्पष्टीकरण देते हुए अपनी भूमिका के बारे में कहा कि उनकी भूमिका स्टेक होल्डर के रूप में है। उन्होंने बताया कि इसमें उनकी या विभाग की कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें कि जस्टिस कुरैशी से जुड़ा यह मामला नया नहीं है। पिछले साल ही नवंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट में उनका तबादला होने से गुजरात हाई कोर्ट में हंगामा हो गया था। बार के सदस्यों ने उनके ट्रांसफर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने भी एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि एसोसिएशन का मानना है कि इस तरह का ट्रांसफर न्याय संगत नहीं है, और साथ ही में यह भी कहा गया था कि ट्रांसफर का निश्चित रूप से बेहतर प्रबंधन की कोई संबंध नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जस्टिस कुरैशी के साथ ही सरकार ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। मौजूदा सरकार द्वारा जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति को इनकार करते हुए राष्ट्रपति का सहारा लेकर अपनी पसंद से रविशंकर झा की नियुक्ति करने से पता चलता है कि मोदी सरकार हर महत्वपूर्ण संस्थानों से संबंधित कार्य प्रणाली को अपने हिसाब से नियंत्रण करना चाहती है। बीजेपी सरकार द्वारा सभी संस्थानों के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करना उचित नहीं है। कुछ ही महीनों पहले जस्टिस गोगोई ने भी यह माना था कि कुछ लोग हैं जो न्यायपालिका के फैसले को प्रभावित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक रूप से ताकतवर लोगों के होने का भी शक जताया था। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से लोग महत्वपूर्ण संस्थान के निर्णय को भी शक की नज़र से देखने को मजबूर हो चुके हैं। जस्टिस कुरैशी की नियुक्ति को रोकने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, यह तो मोदी सरकार से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी सरकार हर उस महत्वपूर्ण संस्थानों में ऐसे लोगों की नियुक्ति होने से रोकेगी जिनसे उन्हें भविष्य में कोई बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती हो। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।